हम जानते हैं दोस्त, न जाने सफ़र में कितने मोड़ आएंगे। अगर एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता खुलेगा इंसानों के लिए, ये अच्छे तरीके से हम जानते हैं। किधर जा रहा है? एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता खुलेगा इंसान का। मैं यही कहता हूँ, संघर्ष नहीं हारा करो और परिश्रम करने से पीछे ना हटा करो। दोस्तों, अपने वतन में रहिए और अपने घर में रहिए, सबसे बेहतर होगा और सबसे खुशहाल ज़िंदगी वही होगा कि अपने घर में रह के और अपना वतन सब कुछ कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा कर जाओ जो कदमों को चूम ले तुम्हारे पिछले वाले हिस्से साथ पूछते तक। मैं यही कहेंगे आप प्लीज, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि कृपया आप ही आइए। आप, हम मानते हैं कि विदेश की ज़िंदगी अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे वजह से अगर फैमिली हमारी सुखी में है तो हमको सुख अच्छा नहीं है। अगर 10 आदमी सुखी में है तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, अगर थोड़ा सा दिक्कत है, परेशानी है, कोई भी कष्ट है, हर आदमी को ऐसा बात नहीं, कष्ट है क्योंकि अपने फैमिली से दूर रहते हैं, अपने गाँव से दूर रहते हैं और अपने बच्चों से दूर रहते हैं, अपने होने वाले पत्नी या बीबी या गर्लफ्रेंड से, हाँ कोई भी आदमी है चाहे जो, वो दूर रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसा करो दोस्त प्लीज, कि विदेश की ज़िंदगी ना जियो, अपने वतन में ही कुछ बसाओ, छोटा बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ भी करो, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, खुशहाल ज़िंदगी रहेगा, फैमिली में रहोगे तो अच्छा है।